हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा कि आप अच्छे से जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था, आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या जो है बीमारी या फिर क्या क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जैसे एक जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एक ट्रिक है, शॉर्ट सी ट्रिक है, एओई, जो न्यूली एनसीईआरटी के अंदर है बच्चों। ए स्टैंड फॉर एस्थमा, ओ स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और ई स्टैंड फॉर एम्फिसिमा। एक तो आप ट्रिक बच्चों ये बना सकते हो, या फिर दूसरी ट्रिक है इसकी एईओ। पहले इसमें कुछ नहीं, एस्थमा कॉमन है, ई एम्फिसिमा और ओ जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब सबसे पहले हम वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे एस्थमा है, एस्थमा के अंदर कुछ नहीं होता बच्चों, सिंपली जो है ना हमारे ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है, और ब्रोंकियोल्स कहते हैं हम जिसको, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई, यानी कि इन्फ्लामेशन के कारण फिर क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जो बच्चों दिक्कत आएगी, सांस लेने के अंदर दिक्कत आएगी। और इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल में एक तरह की वैसे कोरोनिक नहीं होती है, एक्यूटी डिजीज होती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पड़ा बच्चों, ये है जैसे ये ट्रेकिया है, और आगे जाके ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाती है ना, ब्रोंकस सिंगुलर को हम ब्रोंकस बोलते हैं और प्लूरल को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इनमें जो है बच्चों इन्फ्लामेशन हो जाएगी यहां, ठीक है। जैसे रेड कलर से हम ये दिखा सकते हैं इनके अंदर क्या डिफेक्ट हो गया, भाई इन्फ्लामेशन होगी, इस इन्फ्लामेशन के कारण एस्थमा होता है। उसके बाद है सेकेंड जो डिसऑर्डर है बच्चों, सेकेंड डिसऑर्डर के अंदर हम कौन सी भी ट्रिक अपना सकते हैं, इसमें से एईओ वाली बताते हैं सबसे पहले। जैसे एम्फिसीमा नहीं बताया था, एम्फिसीमा के अंदर होता क्या है बच्चों, एम्फिसीमा के अंदर, एम्फिसीमा के अंदर जो मेजर कॉजेज किसके कारण होगा, ये सिगरेट जो पीने वाले लोग होते हैं ना, मेजर कॉजेज सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए, मेजर कॉजेज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एम्फिसीमा की। लेकिन ये तो चलो उसका कॉजेज बता दिया, होता क्या है इसके अंदर एक्चुअल में, ये जो इसका मेजर कॉजेज है बट होता किसके कारण है, इसमें जो एल्वियोलर वॉल होती है ना हमारे लंग्स की, वो डैमेज हो जाती है। जैसे ये एल्वियोलर वॉल है, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, डैमेज हो जाएगी, ये एयर कैविटी है ना, एयर कैविटी, एल्वियोलस कैविटी बोलते हैं इसको, और जिससे जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस्ड, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस्ड कम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज के लिए है एरिया बचेगा नहीं, जो ये वॉल है वो डैमेज हो जाएगी, किसके अंदर, एम्फिसीमा के अंदर, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा अल्टीमेटली, की इसको अफेक्ट करेगा, नो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा इसके अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम, एम्फिसीमा की। तो हमने अभी कौन से डिसऑर्डर पढ़े हैं, दो एस्थमा और
एम्फिसीमा, एम्फिसीमा का मेन कारण मैं बार बार, जैसे कि नीट में आया था एक बार क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एम्फिसीमा, नीट एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है बच्चों, सिगरेट स्मोकिंग इज अ मेजर कॉजिंग ऑफ एम्फिसीमा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे इसको। ओके, उसके बाद है जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल इसके नाम से पता लग रहा है, यानी कि ये जो डिजीज है बच्चों उन लोगों के अंदर होगी जो कोई ऐसा काम करते हैं जिनका पेशा होता है, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर जो ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं ना, जो लोग पीसने का काम करते हैं, कोई पत्थर वगैरह हो गया, जितने भी ऐसे जो काम होते हैं वहां बेसिकली जो उन लोगों के अंदर कॉमन डिजीज ये पाई जाती है, कौन सी, ORD बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कहाँ होगी, एक तो जो माइनिंग वगैरह करते हैं ना लोग, माइनिंग या ग्राइंडिंग, वहां भी होगी उन लोगों के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी का मान लिया ह्यूमन बॉडी है ये एग्जाम्पल के तौर पे। अब हर टाइम तो ये मास्क का यूज नहीं कर सकते, या जैसे जो ज्यादा अनपढ़ होते हैं ना, उनको पता नहीं होता अपने बॉडी को जो है कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे पॉल्यूशन से या फिर किसी भी डस्ट पार्टिकल से। अब मान लिया इन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहन रखा और प्रोटेक्टेड कोई भी चीज नहीं है ऐसा, तो हमारे लंग्स के अंदर है ना फाइन पार्टिकल्स जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये सिलिका के हो सकते हैं फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, हो सकता है ये एबेस्टस हो, अब ये इसके लंग्स के अंदर जाएंगे और लंग्स के अंदर क्या करेंगे, ये सीवियर डैमेज कर देंगे लंग्स को, सीवियर डैमेज यानी कि बहुत ही घातक रूप से इसके लंग्स को खराब कर देंगे। अब या तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, यूजिंग ऑफ मास्क, इसको प्रिवेंट करने के लिए मास्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मास्क क्या है, जिससे डस्ट पार्टिकल ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे मास्क की वजह से। अब हो भी गई, जैसे दो इसमें एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट और CBSE दोनों में आए हुए हैं, एक तो इसके अंदर एस्बेस्टेसिस, एस्बेस्टोसिस, और दूसरा है इसके अंदर बच्चों सिलिकोसिस, ये दो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनके अंदर, किसके, डिजीज के एग्जाम्पल है, डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं ना उनके एग्जाम्पल है एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। अब इसके अंदर एक्चुअली होगा क्या, जो फाइब्रोसिस टिश्यू है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बेटा, यहां से जैसे माइनिंग वगैरह या ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं ना जो लोग, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल है, कोई भी हो सकता है, जैसे एटमोसफेयर के अंदर है सिंपली, ये यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, हम नॉर्मल यहाँ पे खड़े हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमें कई बार होता है जैसे धूल मिट्टी में चले जाते तो वहां से हम स्नीजिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीजें करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इनको है ना ये जो ऐसे लोग होते हैं उनको धीरे धीरे इसी तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं, डस्ट पार्टिकल है, और जो इनका फाइब्रस टिश्यू होता है एक्चुअल में, फाइब्रोसिस बोलते हैं इसको एक्चुअल में, फाइब्रोसिस, प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ना लंग्स के अंदर उनके अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा इस धूल से या फिर इन पार्टिकल से। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एस्बेस्टिस भी हो सकते हैं और सिलिका के पार्टिकल भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें मेनली हमें किन चीजों का पता होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स जो है हमें पता होना चाहिए OCP ORD के अंदर एक्चुअल में, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पहला तो एक बार दोबारा हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई एक्चुअली क्या होगा ये,
ये कंडीशनल है, ये उन्हीं लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी जो ऐसा ग्राइंडिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं। तो पहला केसेस क्या है भाई, उन लोगों के अंदर यानी कि माइनिंग या ग्राइंडिंग जो काम करते हैं ग्राइंडिंग वगैरह का। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो उनके अंदर पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एस्बेस्टस, और दूसरा हो सकता है सिलिका। लंग्स के अंदर किस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, वो जो फाइब्रस टिश्यू होता है ना, फाइब्रस टिश्यू, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, इसको प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे, प्रोटेक्शन का जो पॉइंट आता है आपका प्रोटेक्शन यूजिंग मास्क। तो ये जो चार क्वेश्चन तो ये है भाई, कहाँ होगा, कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, लंग्स के किस पोर्शन को अफेक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा या क्या होगा, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जो डिजीज है ना, डिजीज बेसिकली पूछा जाता है, दो तरह की कॉमन डिजीज है, एक है एस्बेस्टोसिस और दूसरा है सिलिकोसिस। यानी एस्बेस्टोसिस का मतलब है भी एस्बेस्टस जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे एस्बेस्टोसिस के अंदर, एस्बेस्टस सबस्टांस, और सिलिकोसिस के अंदर सिलिका जो है, सिलिका के कारण होगी लंग्स के अंदर ये डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो है बच्चों एनसीईआरटी के एग्जांपल, ये दोनों जो अभी बताए हैं एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। एक्चुअल में एनसीईआरटी में तीन ही है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एडिशनल है थोड़े से नीट वगैरह में आते हैं, सीबीएसई में नहीं आती हैं, जो अभी करवाएंगे हम। सबसे पहला है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपो, हाइपो वर्ड होता है बच्चों कोई चीज की कमी, यानी कि उसका जो शॉर्टेज, ठीक है ना, यानी कमी है किसी चीज की। और हाइपर जो वर्ड किससे रिलेटेड होता है बच्चों, यानी कि बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस बहुत है उसकी। अब इसके नाम के अंदर आंसर ऑक्सिया, ऑक्सिया स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया एक बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्या ये कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। उसके बाद एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया बोलते हैं एक्चुअल में, एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया के अंदर बेसिकली हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, अमाउंट ऑफ या कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एस्पेक्सिया के अंदर होता है बच्चों जो ऑक्सीजन कंटेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट हो जाएगा कम और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हो जाएगा ज्यादा, क्या होगा, एस्पेक्सिया के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट हो गया कम और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ज्यादा, जिसके कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर, उसके अंदर एक कंडीशन आ जाएगी बच्चों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे रेस्पिरेशन जो है या ब्रीदिंग रुक जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल कम हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, कम हो गया और लीडिंग टू डेथ, सफोकेशन के कारण मर जाएगा। क्या होगा, एस्पेक्सिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कंटेंट कम, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो पैरालाइज हो जाएगा,
और रेस्पिरेटरी रेट है बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि सफोकेशन या ब्रीदिंग करने में दिक्कत आएगी और डेथ, ये कंडीशन होती है एस्फेक्सिया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, क्या पढ़ा हमने? हाइपो कम ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाना बॉडी के अंदर। एस्पेक्सिया का मतलब हमने सिर्फ दो ही कंडीशन याद करनी है बच्चों, कौन कौन सी कंडीशन, किस किस की कंटेंट याद करना है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया, उसके कारण क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो पैरालिसिस हो गया, उसके अंदर पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड होने के कारण जो है ब्रीदिंग जो रेट बिल्कुल कम हो गई, यानी कि जो सांस लेने में हमें दिक्कत होगी और इवेंचुअली जो है क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसमें मर जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रही है। और हमें ये पता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा वैसे बुक में आपके लेवल पे नहीं है, उसमें बताया था मैंने, बाइंडिंग कैपेसिटी है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी शो करेगी तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना देगी, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये डेथ हो जाएगी इस इंडिविजुअल की। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस बोलते हैं इसको, बहुत सारे ब्रोंकाइटिस प्रोनाउंस करते हैं ब्रोंकाइटिस। TIS जो है ना पूरी बायोलॉजी के अंदर 95% ये फॉलो हो जाता है बच्चों। जहां पे TIS होता है ना उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब यहां वर्ड हमने क्या लिखा है, ब्रोंकाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन होगी किसके अंदर, ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर। इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसके कारण कॉजेज क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा इस केस में। और म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो जो इरेगुलर कफ होगी, मतलब अनकंट्रोल्ड हम जो है क्या करेंगे, कफिंग करेंगे, इरेगुलर कफिंग, इरेगुलर कफिंग। ठीक है, और जो ग्रीनिश जो येलो कलर का है ना, ग्रीनिश येलो कलर म्यूकॉइड स्पचम प्रोड्यूस होगा बॉडी से, ग्रीनिश येलो कलर म्यूकॉइड स्पचम बॉडी से प्रोड्यूस होगा इस केस में ब्रोंकाइटिस के अंदर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कोजिज जो है मेनली, ये इसके स्पेसिफिक कोई भी ऐसा कोजिज नहीं होता, इसके अंदर हम सारे पढ़ लेते हैं। जैसे मान लिया कोई सिगरेट पीने वाला है, सिगरेट स्मोकिंग पहला हो सकता है इसके अंदर, पहला तो चलो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग जो सिगरेट पीने वाला है उसके कारण हो सकता है, और हो सकता है बच्चों उसके अंदर अदर जो है एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं इस केस में, अदर जो है एलर्जिक रिएक्शन, एक्सपोजर टू, जैसे एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्सपोजर टू अदर पॉल्यूटेंट। एक्सपोजर मींस जैसे किसी संपर्क में आ गया किसी पॉल्यूटेंट, एक्सपोजर टू अदर पॉल्यूटेंट, अदर जो डस्ट पार्टिकल है यदि उसके संपर्क में आ गया कोई ए पर्सन है या ऑर्गेनिज्म है ये, तो इसके कारण इसमें क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये है ब्रोंकाइटिस, दोबारा फिर बता रहे हैं एक बार, ब्रोंकाइटिस का मतलब यानी TIS इन्फ्लेमेशन, और ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, इरेगुलर कफिंग होगी, स्नीजिंग भी होगी, ग्रीनिश येलो कलर का जो म्यूकॉइड स्पचम है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी से, जिसको हम सिंपली बलगम बोलते हैं बच्चों, ये इस कलर का प्रोड्यूस होगा। अब कोजिस किसके कारण हो सकता है, सिंपली इन्फेक्शन हो जाता है ना लंग्स के अंदर, हम जैसे बीमार होते हैं नॉर्मली, तो उस दौरान इन्फेक्शन हो गया तो भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है,
ज्यादा सिगरेट पीने वाला है कोई, उसको भी हो सकता है, या फिर कोई वो ज्यादा ही पॉल्यूटेंट के संपर्क में आ, डस्ट पार्टिकल्स के ज्यादा एक्सपोजर में रहा ना, डस्ट पार्टिकल है ये, इसके ज्यादा संपर्क में रहा ये इंडिविजुअल, तो उसको भी क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आ रहा है ना समझ में बच्चों, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है वैसे, लेकिन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट का तो बेसिकली जो है ना पढ़ना ही पड़ता थोड़ा एक्स्ट्रा। एक लास्ट डिजीज और है अपनी, लेकिन एक ऐसी डिजीज है वो जो हमने पढ़ी है ना, सभी का कॉम्बिनेशन है, और उसको हम बोलते हैं सीओपीडी। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, सीओपीडी। सीओपीडी की फुल फॉर्म है जैसे कि कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर और डिजीज। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म बच्चों, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी और डी स्टैंड फॉर डिजीज बच्चों, सीओपीडी। अब ये वैसे तो जनरल टर्म है, जनरल टर्म डिफाइन टू कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, किसको डिफाइन करती है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए बच्चे। अब हमने ऊपर क्या क्या पढ़े है, एग्जाम्पल के तौर पे एस्थमा भी हो सकता है इसमें, कोरोनिक एस्थमा, कोरोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो होती है ना कोरोनिक हो सकती है इस केस में, और क्या हो सकता है बच्चों इस केस में, एम्फिसीमा भी हो सकता है, एम्फिसीमा, एम्फिसीमा। तो ये कंबाइंड है, पहले ही हमने इसके अंदर क्लेरिफाई कर रखी है चीज, सीओपीडी यानी कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जनरल टर्म है जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज को डिफाइन करती है, तो इसके अंदर सारे के सारे आ सकते हैं, कोरोनिक एस्थमा, कोरोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। ये था बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर को खत्म करते हैं, और कल से हम है ना इसके जो कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिकली जो नीट के ऊपर आते हैं और नीट पे फोकस करते हैं बेसिकली, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।